जी वेलकम टू द क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स बीसीसी 131। माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास है इग्नू बीए एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास। लेट्स सी कि हमारे पास यूनिट वन में क्या क्या है उसको हम देखते हैं। यूनिट वन में हमारे पास सिलेबस में क्या है, तो यूनिट वन जो सिलेबस में है आपका इग्नू का जो सिलेबस है वही आपके सामने मैंने ये रखा हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। इग्नू का जो सिलेबस में बीए एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास में पहला जो यूनिट है वो है स्केयरसिटी रिसोर्सेज, ये सब चीजें हैं इसके अंदर। यूनिट वन क्या है वो भी आप देख सकते हैं इसमें। यूनिट वन जो है वो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, तो ये आपका यूनिट वन है। तो जिनके पास है उसको हम देखते हैं। यूनिट वन अब हम कर रहे हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग इवर इंक्रीजिंग वांट्स ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के वांट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उनके रिसोर्स उनके सेटिस्फाइंग कैसे करेंगे ये और इस तरह की चीजों को हमें इसमें पढ़ना है। स्टेट द मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ एन इकोनॉमी, हमें इसकी मीनिंग समझनी है, हमें इसकी मीनिंग और नेचर दोनों चीज, नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंटिटीज, इकोनॉमिक एंटिटीज के बारे में डिस्क्राइब करना है। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसको हम पीपीसी कर्व भी बोलते हैं, तो वो भी हमें इसमें डिस्कस करेंगे उसको। स्टेट द इशू ऑफ रिलेटिंग अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो कौन से इशूज होते हैं जब रिसोर्स अलोकेट करते हैं बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द कंजम्पशन बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स। Explain the method of resources allocations in market economy in a socialist economy and the mixed economy. तो हमारे इंडिया में मिक्सड इकोनॉमी है, कहीं जगह पे सोशलिस्ट इकोनॉमी है होती है, ठीक है। तो हमारा जो इकोनॉमी है वो सोशल इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी, और आप थर्ड क्या होती है आपका फ्री इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट इकोनॉमी है ना। Yes, sir. नहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट होती है, ठीक है, सॉरी प्राइवेट बोला मैंने। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। जैसे आप रशिया वगैरह में जो जाएंगे जो पॉलिटिकल के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि पॉलिटिकल जैसे वहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी होती थी रशिया वगैरह में, और यूएसए वगैरह में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। तो कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट का जो मिक्स होता है वो इंडिया में हम उसको अडॉप्ट किया है हमने। क्लियरली डिस्क्राइब द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम उसको बेसिकली डिस्क्राइब कर सकेंगे इकोनॉमिक्स के सभी टर्म्स को। स्टेट नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉज, इकोनॉमिक लॉज भी हैं कुछ तो उसको भी हम समझेंगे। एक्सप्लेन सम ऑफ द एनालिटिकल कंसेप्ट एसोसिएट विद द इकोनॉमिक रीजनिंग, इकोनॉमिक रीजनिंग के साथ उनकी एनालिटिकल कंसेप्ट को भी हम समझेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आ गया। अब लेट्स सी क्या कहता है डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या कहता है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी एक ऐसा टर्म तो है नहीं, एक जनरल टर्म है, तो जनरल है तो इसमें काफी सारे लोगों ने डेफिनेशन दी होगी, 1% ने तो डेफिनेशन दी नहीं होगी। अभी सुमिल सन है, सुमिल कौन है, सुमित का कोई सन है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप, कौन पढ़ेंगे आप, पढ़ेंगे प्रियांशी जी। यस सर जी। Definition of economics. Economics has been variously defined as summarized by Samuelson. Some of the definition seeks to explain that economics analysis how a society's institutions and technology affect prices and allocation of resources among different uses. Second, explores the behavior of the financial markets including interest rates and stock prices. Third, examines the distribution of income and suggests ways that the poor can be helped without harming the performance of the economy. Fourth, studies the business cycle and examines how monetary policy can be used to moderate the swings in unemployment and inflation. Fifth, studies the patterns of trade among nations and analyzes the impact of trade barriers. Sixth, looks at growth in developing countries and proposes ways to encourage the efficient use of resources. Next, ask how government policies can be used to pursue important goals such as rapid economic growth, efficient use of resources, full employment, price stability, and a fair distribution of income. तो हमने अभी इसमें सारी चीज पॉइंट्स को देखा है इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट सारे बिहेवियर को एनालाइज करता है, रीड करता है, स्टडी करता है। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में क्या है, एनालाइज करता है हाउ सोसाइटी इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट प्राइसेस एंड द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट यूजेस। अदरवाइज हम इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में पहले क्या पढ़ते थे स्टार्टिंग की, अगर हम स्कूलिंग में बात करें तो इकोनॉमी क्या होता था, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेट करते थे। कोई भी पर्सन एक्टिविटी कर रहा है, कुछ अर्न कर रहा है, कुछ मनी अर्न करना है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, और उस उसके बिहेवियर को स्टडी करने को हम इकोनॉमिक्स बोलते थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स लाइक अ सब्जेक्ट मैटर दैट स्टडी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी एज नेशन एज अ होल, तो हम उसको कहते थे कि चाहे वो नेशन होल एज अ होल हम इसको डिस्कस करें, फिर इंडिविजुअल के बाइंग एंड
बाइंग परचेज कैपेसिटी जो होती है उसको अगर हम स्टडी करें तो वो भी होता है उसका। फिर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात हो रही है इकोनॉमी की, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होता है इसको भी हम कौन स्टडी कर सकते हैं। यस, किसी स्टूडेंट ने हैंडल्स किया है? यस प्राची जी, आपने इससे रिलेटेड पूछना है, इकोनॉमी से रिलेटेड? सर इंग्लिश कॉम्बिनेशन की क्लास नहीं होगी? यस होगी, 5 मिनट में होगी, बस 1 मिनट में। ठीक है, तो इस तरीके से कंसेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी को हमें समझना है कि स्कैर्सिटी में क्या होता है, अपना अनलिमिटेड वॉन्ट्स होते हैं और एंड एंड स्केर्स रिसोर्स और मींस। ठीक है, इसको हम कल कंटिन्यू कर लेंगे डेली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, और इकोनॉमिक्स की क्लास भी अब हम डेली 15 मिनट्स की हम एक जो है इसमें कर लेंगे डेली क्लास। सर वैसे ना मैंने ये रीड कर रखा है, पूरी यूनिट रीड करी हुई है, बस मतलब समझ भी रखी है, बस थोड़ा ये है ना पुश चाहिए होता है ना, एक क्लास हो रही है, वैसे मैंने सर समझा हुआ भी है ये जी। फिर आप इसको कंटिन्यू करना, मतलब आप इसको इस चैप्टर जब मैं बिल्कुल लीड करके आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है? ओके सर, ओके जी, थैंक यू।